हेलो एंड वेलकम टू ब्यूरोक्रेट्स, दिस इज एलके निषाद। नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। हॉस्टल वार्डन, मामला गर्म है हॉस्टल वार्डन। चलिए इसके मुद्दे पर आते हैं कि हॉस्टल वार्डन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। कंप्यूटर 30 नंबर, गणित 25 नंबर, पिछले बार से परिवर्तन हुआ है। 150 क्वेश्चन होते थे, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का होता था, जिसमें 50% अंक पाना अनिवार्य होता था, तभी आपकी बाकी चीज़ें चेक होती, लेकिन वो इस बार नहीं है। एक तो 150 के प्रश्न से घटाकर 100 प्रश्न कर दिए गए, एक प्रश्न एक अंक का। और एक और चीज़, कंप्यूटर में 50% की अनिवार्यता कहीं दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा। बस एक चीज़ और है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर समान अंक हो गए किसी के, समान अंक जैसे कि मान लीजिए 80-80 समान अंक हो गए, समान अंक हो गए और इसने कंप्यूटर में 25 पाया है और इसने 24 पाया है, तो इसका होगा इसका नहीं होगा। ठीक, यही बात होगी यहाँ पर। कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। जो 12th पास है वो अपीयर हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, नौकरी सड़क पर फेंकी हुई नहीं है, जो बहुत आसानी से आपको आजकल मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर नए छात्रों को, मासूम छात्रों को भ्रमित किया जाता है, या फिर ऐसा बता दिया जाता है 5 में से 4 बना लेंगे, इसमें से इतना बना लेंगे, इसमें से इतना बना लेंगे, या इसको छोड़ देंगे, इसको बहुत सॉलिड कर लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भ्रम हैं। वो छात्र जो पिछले 2-3 साल से PSC का मेंस इंटरव्यू देकर अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहे, इतने खखवाए हुए लोग हैं, वैकेंसी नहीं आई है कि सबको नौकरी चाहिए, वो छात्र भी बैठेंगे। और आपको लगता है कि एक छात्र जो अभी 4 महीना या 2 महीने या 3 महीने में तैयारी कर रहा है, या 6 महीने का जो आया है, उन घिसे हुए छात्रों को पछाड़ के नौकरी ले जाएगा? आप भ्रम में हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, शायद आप में से बहुत लोगों को ये बात समझ में आ जाए, आप गलत शुरुआत से बच जाएंगे, या आप कोचिंग के ठगी करने वाले जाल से बच जाएंगे और आप वास्तविकता को समझ पाएंगे। वरना क्या है, गलत शुरुआत से लाखों छात्र जो होते हैं, सामान्य और कमज़ोर छात्र, वो तो वैसे ही अपना आत्मविश्वास, पैसा, समय खो बैठते हैं। और जो कुछ अच्छे छात्र भी जो है, वो डिमोरलाइज होकर जो कर सकते थे वो अपना मौका खो बैठते हैं। देखिए, ये मत सोचिए कि 15 नंबर का है GS बस, तो इसको हल्का हल्का हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये 100 नंबर का प्रश्न है, इस कंप्यूटर को आप हटा दीजिए, तो इस कंप्यूटर को हटा दीजिए, ये तो बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा, या नहीं भी पढ़ा है तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। एक सीरियस छात्र जो 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, उठाएगा और 10 दिन में बल मनोविज्ञान 10 में से 8 नंबर के लायक कर डालेगा, बहुत आसान होता है। लेकिन ये जो केवल GS 15 नंबर का दिखाई दे रहा है, गणित केवल 25 नंबर का दिखाई दे रहा है, करंट 5, 5, 5, 5, मैं आपको बता दूं, एक आधे आधे नंबर से लोग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, आधे नंबर से लोग वहाँ 5-5, 6-6 हज़ार स्टूडेंट खड़े होते हैं जो लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाते। तो आप अगर किसी गलत फहमी में हैं कि इतनी सी इतना छोड़ देंगे, इतना बॉक्स कर लेंगे, नए छात्र इसी तरह कैलकुलेशन बैठाते हैं कि मैं इसको छोड़ दूंगा बस, या इसको बस छोड़ दूंगा, 5 नंबर के लिए पूरी CG क्या पढ़ूं, इतने में मैं बहुत सॉलिड तैयारी कर लूंगा, किसी कोचिंग के भ्रम में आकर या झूठे सपने में आकर, तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में जो है, अगर मान लीजिए 80 नंबर पर किसी जनरल, मान लीजिए 80 नंबर पर किसी जनरल स्टूडेंट का सेलेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो आधी अधूरी तैयारी करते हैं, वो 65 से 70 नंबर के बीच आराम से आ जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है केवल 10 नंबर की तो दूरी थी। ये जो 10 नंबर की दूरी होती है ना, ये 10 नंबर को दूरी को पूरी करने के लिए जितना मेहनत, इस जितना साल भर रगड़ेगा, तब जाकर ये 10 नंबर की दूरी कम होती है ना, ये इतना आसान नहीं है। एक स्टेज के बाद एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत लगती है, तब स्टूडेंट जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। ये इतना आसान नहीं है जैसे आपको सपने, केवल ऑनलाइन कोर्स बेचने के लिए, आपको आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाने के लिए, जो धड़ाधड़ जब नोटिफिकेशन निकलता है, उनको पता है, कोचिंग वालों को, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, क्योंकि इसी समय 90% छात्र अज्ञानतावश फॉर्म भरते हैं और बैग पकड़ के कोचिंग और भागते हैं, और वो कोचिंग आपको सत्य का ज्ञान कभी नहीं कराएगी कि 2-3 महीने क्या 6-8 महीने में भी आप सिलेक्शन के लायक नहीं बन सकते। एक नया छात्र नहीं बन सकता, सिलेक्शन उसी का होगा जो
इस वक्त मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अगर मान लीजिए इस विषय को ना पढ़ा हुआ हो लेकिन इन विषयों के साथ तगड़ा तैयार हो, इन विषयों के साथ तगड़ा तैयार हो, इन विषयों के साथ वो 5 नंबर का है कि 10 नंबर का नहीं देखेगा, लेकिन वो देखेगा सीजी हिस्ट्री सीजी ट्राइब मेरा तैयार है, इंग्लिश भी मैंने तैयारी की हुई है, ये तैयारी की हुई है, ये उनके बस का है ये। और रही बात ये दो विषयों की, तो वो जो भिड़े हुए जो इंटरव्यू और मेंस से बाहर हो गए हैं, जो व्यापम के जिनको बहुत अनुभव है 3-4-5 एग्जामों का, वो लोग यहाँ भिड़ेंगे वो तो अभी इन्होंने इसकी तैयारी की हुई, उनको ये रिवीजन बस मात्र करना होगा और वो बड़े इत्मीनान से इन विषयों और इन विषयों में भिड़ेंगे और अपनी जगह बनाएंगे। एक नए छात्र का 6 महीना कैसे निकल जाता है, उससे सिलेबस तक ढंग से समझ में नहीं आता, और यहाँ आपको सपना दिखाया जाएगा कि आइए 3-4 महीने में ये इतना कर लेंगे, इसमें से इतना कर ही लोगे, इसमें से इतना कर ही लोगे और चैन हो जाओगे। इस तरह के ऑनलाइन कोर्स बेचने वाले से सावधान रहें, नए बच्चे जो कुछ कर सकते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। वरना मैं बता दूं आपको क्या हो रहा होगा बच्चों के साथ, ये वैकेंसी आई, वो कोर्स खरीद लिया, वो वहाँ जो स्थान नहीं लगा, फिर वो वैकेंसी आई, वो कोर्स खरीद लिया। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन में बहुत सस्ता बेचा जा रहा है तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है। आप 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार देकर पता नहीं कितने कोर्स खरीद कर केवल कोर्स खरीदते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, लेकिन कहीं स्थिति नहीं बनेगी, यह है वास्तविकता। चयन उन छात्र का होता है जो 1.5-2 साल लगाकर भिड़ कर तैयारी करता है और वही अपना स्थान बनाएंगे यहाँ पर। यह बता दीजिए किसी व्यापम के लिस्ट में आपने, आपने 22-23 साल के कितने लड़के देखे होंगे, आप 5% से ज़्यादा छात्र, 5 के 2-3% से ज़्यादा छात्र 23-24 साल के व्यापम के किसी भी एग्जाम में देखेंगे नहीं। आप 90% जो छात्र देखेंगे आपको वो 27+ दिखाई देंगे, 27+। अगर इतना घास फूस होता तो 27+ स्टूडेंट ये वो हैं जो भिड़े हुए हैं, लगातार भिड़े हुए हैं, पीएससी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो खखवाए हुए छात्र जिनको नौकरी चाहिए वो क्या छोड़ेंगे, जो आपको ये कोई ये जो मैंने मुझे किसी ने वीडियो भेजा है योगेंद्र साहू क्लासेस का, किस तरह से वो सपने दिखाता है और किस तरह से जो है हर 2-2-3-3 महीने में जो वैकेंसी आती है अपना कोर्स बेचता है और वो बड़े आसानी से आपको बता देता है ये इतने में ये हो जाएगा, इतने में ये हो जाएगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा और सेलेक्ट हो जाएंगे। रोड पर फेंकी हुई नौकरी नहीं है, है ना। कम से कम 5,000 ऐसे छात्र हैं जो CGPSC इंटरव्यू देकर बाहर बैठे हुए हैं, और जो है अगर लोकसभा चुनाव के बाद हुआ एग्ज़ाम तो वो उनका मेंस के बाद वो इसमें भिड़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ जो नए छात्र हैं आपको 1.5 साल भिड़ कर तैयारी करने की ज़रूरत है, वरना वो जो योगेंद्र साहू जो शर्मा जी को पैसे देके एक प्रमोशन हर वीडियो में जो है वीडियो में प्रमोशन शुरू होता है टू बी द बेस्ट लर्न फ्रॉम द बेस्ट, क्या बेस्ट हो योगेंद्र साहू साहब, वो रैंक दिखाते हो हर वीडियो में अपने रैंक दिखाते हो, शुरुआत में शर्मा जी का प्रमोशन और ये एग्ज़ाम में रैंक, ये एग्ज़ाम में रैंक, ये कसौटी है। अगर ये कसौटी है तो मुझे प्रमाण दे दो बच्चों को 2-3 साल पिछले 4 सालों में जितने कोर्स बेचे हुए जितने ऑफलाइन के बच्चे वहाँ पढ़ाए उनमें से कितने प्रतिशत बच्चे चयनित करवा पाए हो, फोटो सहित दिखाओ, पसीना छूट जाएगा तुम्हारा। तुम जितने ऑनलाइन में बच्चों को जो है एनरोल करके एडमिशन दिला लेते हो सपना दिखाकर, उसमें कितने हुए, या कुछ एग्ज़ाम में बता देता हूँ, अभी एक लड़की जो तुम्हारे यहाँ महिला पर्यवेक्षक का बैच चलाया खूब कमाई हुई उसमें चयनित कौन हुआ, वो लड़की जो तुम्हारे जो 5-6 सालों से तैयारी कर रही थी, जो तुम्हारे यहाँ पढ़ा रही थी, तुमने इतने बच्चों को ऑनलाइन क्लास बेचा उसमें से कौन हुआ ये बताओगे। सपना तो बड़ा दिखाते हो, नए मासूम बच्चों को जो है उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर, नौकरी घास फूस नहीं है बच्चों, रोड पर फेंकी भी नहीं है, जिस तरह के आसान सपने आपको दिखाए जाते हैं, चाहे 12वीं बेस की ही कोई वैकेंसी निकली हुई हो, यहाँ इंजीनियरिंग किए हुए लड़के तक चपरासी के एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, वो ये 25 नंबर का जो गणित आ रहा है आपको क्या लगता है, मैं आपको लिख कर देता हूँ 500 से 1,000 छात्र आपको ऐसे मिलेंगे जो 25 में 25 मारेंगे, और आपको सपना दिखाया जाता है 25 में से 12-13 बना लोगे तो आप हो जाओगे चयनित हो जाओगे। एक एक नंबर ये जो दिख रहा है आपको 15 नंबर नहीं, ये जीएस जो व्यापक तैयार होगा, और तो आपको बता देता हूँ चलिए कोई ये 100 नंबर के पेपर में मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन बहुत सिंपल आ भी गए, लेकिन बता दो सिलेक्शन क्या तय करेगा, ये जो 10 क्वेश्चन स्तर के आ जाते हैं ना, ये जो 1-लाइनर पढ़ाने वाले जिनको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, वो जो सीरियस छात्र भिड़े हुए जिनको कंसेप्ट की क्लैरिटी, ये 10 प्रश्न वो बना पाते हैं, और ये नए छात्र हो सकता है कि सॉल्व और ये सब करके जो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो इतना प्राप्त कर रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन अंतर पैदा करता है।
10 क्वेश्चन तो भूल जाइए, 5 क्वेश्चन स्तर के आ गए, ये 5 क्वेश्चन स्तर के आप नहीं बना पाए वो पीएससी के छात्र, सीरियस छात्र, मेंस इंटरव्यू दिए हुए छात्र वो बनाएंगे और वो सबको पछाड़ कर निकल जाएंगे आगे। गलत शुरुआत एक अच्छे छात्र को भी खत्म कर देती है, मैं बता देता हूँ, किसी भ्रम में ना रहे, है ना, वरना ऑनलाइन क्लास की सच्चाई कोई आपको बताता नहीं। कमाने के लिए धंधा बहुत अच्छा है, वरना मैं अपने ऑनलाइन क्लास चलाता हूँ तो वो कभी ये 2 महीने 3 महीने वाली ऑनलाइन क्लास नहीं चलाता, उसमें नीचे लिखता हूँ चेतावनी, नया छात्र ऑनलाइन क्लास में 95% केवल ठगा जाता है, कोर्स खरीद करके वो पढ़ता नहीं है, तैयारी करता नहीं है। एक छात्र को दिन प्रतिदिन तैयार करना होता है, वरना लाखों छात्र, हजारों छात्र इस तरह का भ्रम पैदा किया जाता है। तो मैं बताता हूँ, ये इस तरह का ऑफलाइन क्लास की भीड़ इकट्ठी कर लो या ऑनलाइन क्लास की भीड़ इकट्ठी कर लो, कभी तुमने इन शिक्षकों से पूछा है कि इतने छात्र जो आपने भीड़ तो इकट्ठा कर ली, इसमें हुए कितने, चयन का अनुपात कितना, 2000 छात्रों में 20 उत्तम है कि 50 छात्रों में 20 उत्तम है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस तरह से गोले लगा के बता सकता हूँ, ऐसे प्रमाणित कर सकता हूँ। हर सप्ताह मैं अपने ऑफलाइन छात्रों का टेस्ट में फोटो खींचता हूँ हर सप्ताह, और ये तो पहले साल के फोटो हैं ये, और सालों के फोटो मैं बता दूंगा आपको कि 2-3 वर्षों में मैं कितने छात्र जो है वो नौकरी में पहुंच गए, कितने छात्रों ने, ये ऐसा ही नहीं लिखा है सर्वाधिक अनुपात में पीएससी प्री और व्यापम में चयनित। लेकिन मैं कभी किसी भ्रम में नहीं रखता छात्रों को, कोई भी आता है छात्र, मुझे मालूम है पटवारी की वैकेंसी आई, तुरंत छात्र भागे चले आते हैं, 3 महीने में सपना लेकर पटवारी बनेगा। अरे बेटा, नहीं होती तैयारी, या तुम इतने ब्रिलियंट होते तो तुम 12वीं के बाद नीट या IIT में घुस चुके होते, घास फूस नहीं है सरकारी नौकरी, जो 3 महीने में अफसर बन जाओगे, 3 महीने में सरकारी नौकरी पा जाओगे, है ना। तो भ्रम से बाहर निकलो, सच्चाई को समझो, कायदे से तैयारी करो, साल भर 1.5 साल रोजाना 4 घंटा 5 घंटा नियमित पढ़ाई करो, तब जाकर आप भले 12वीं बेस का एग्जाम हो क्लियर कर पाओगे, है ना। स्ट्रैटेजी ये है कि जो तैयार है छात्र वो आप लोग जो है आप फिर भी कोशिश करना चाहते हैं, आप बढ़िए आगे, लेकिन जो छात्र अभी पीएससी या अभी जो हाल ही फिलहाल में तैयारी किए हुए हैं उनका ये सब तैयार है, आपको इनको प्रॉपर रिवीजन आधा समय इनको दें और आधा समय आप यहाँ रगड़ें, आधा समय इसको इतना सॉलिड तैयार कीजिए कोने कोने से। और गणित जो है आपको बता दूं, गणित 25 नंबर का है और व्यापम का स्तर आप बता रहे हैं चाहे भले ही 12वीं स्तर का हो। एक बात और है कि जब भी आप इन विषयों का तैयारी करें तो उस स्ट्रेटजी में अपने पास सॉल्व, चाहे गणित हो चाहे कंप्यूटर हो, सॉल्व के सारे क्वेश्चन हल करें, घटना चक्र के सारे क्वेश्चन हल करें, बार बार हल करें, वहां से क्वेश्चन जो आ जाए वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, सिंपल स्ट्रैटेजी। बाकी भले 15 नंबर का जीएस हो, जीएस आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र और व्यापम और पीएससी के आए हुए प्रश्न सॉल्व करें, ये बहुत आसान विषय है। 10 दिन आप कंटेंट लें, 10 दिन में आराम से तैयारी करके, ये प्रश्न ऐसा है कि आपको अपने, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ अपने हिसाब से आपको उत्तर नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि आप एक शिक्षक है और आपके सामने एक बच्चा है और बच्चे की मानसिकता से आपको उत्तर लेना होता है। यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसको इसके कंटेंट को पढ़ते नहीं हैं, वो अपनी बुद्धि लगाते हैं, जबकि अपनी बुद्धि नहीं, आपको एक बच्चे के हिसाब से क्या डिसीजन लेना है, वहाँ उसके लिए क्या उत्तम होगा, इसके उत्तर उस प्रकार से जाते हैं। बड़ा सरल है, आप लोग जिन्होंने तैयारी कर रखी है अभी, या फिर आप पीएससी प्री से चूक रहे हो, या फिर जो है पिछली बार आपने दिया हुआ हो, या व्यापम के आप 2-3 एग्जाम देकर अभी निराश दे चुके हैं, आप क्लोज पहुंच रहे हैं, 5-10 नंबर से चूक रहे, निराश ना होइए, आप जो है बाकी सारी चीज़ों को रिवीजन में लगाए रखें, है ना, रिवीजन में लगाए रखें जो आपने तैयारी की है, जहां कहीं कमजोरी हो उसको पूरा करें, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है आपको, और गणित और कंप्यूटर पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए उसमें, यही आपका सिलेक्शन तय करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ, यही सिलेक्शन तय करेगा। कंप्यूटर के प्रश्न, अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपने सोच रहे होंगे कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है तो मैं इसको सप्ताह भर देख लूँगा, हो जाएगा, नहीं, यहाँ बहुत थ्योरेटिकल और बहुत माइन्यूट चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छा लेवल होता है कंप्यूटर के प्रश्नों का, इस पर आप काम करेंगे तभी आप स्कोर कर पाएंगे, वरना यहाँ मैंने देखा है BCA किए हुए, MCA किए हुए जो कंप्यूटर साइंस से, वो इसके प्रश्न नहीं बना पाते हैं, वो गलती कर जाते हैं,
आपको इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। अरिहंत की एक किताब है, आप उसको बढ़िया से तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी भी रखनी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी। और कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कंसेप्ट आपके काम आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी बहुत होती है इन प्रश्नों में। और गणित के लेवल के प्रश्न अगर सिंपल भी आ गए तो वो सब बना लेंगे, लेकिन अगर जैसा कि स्तर बढ़ता जा रहा है, अगर व्यापम ने अपना स्तर जैसा रखा हुआ है वैसा रखा, तो मैं बता रहा हूँ इतने धुरंधर लोग हैं, इतने खटीक लोग हैं कि वो 25 में से 24, 23 इतना मार के आते हैं, और आपको कंप्लीट 25 में 25 मारे हुए स्टूडेंट भी दिखेंगे। ठीक है, तो छोड़ छाड़ के तैयारी नहीं होती है। सारा भले 5 नंबर का हो, आप तैयारी कीजिए। आधे नंबर पे आपको 5,000 लोग स्टूडेंट बाहर होते नजर आएंगे। ये मत सोचिए कि आप इनको छोड़ देंगे, इसमें से 2 नंबर, इसमें इंग्लिश में से 2 नंबर प्राप्त हो जाए, इसमें से ये हो जाए। लेकिन मैं आपको लिख कर देता हूँ कि 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन जो तय करेगा आपका, वो जो नए क्वेश्चंस बनेंगे आपकी जानकारी को टेस्ट करने के लिए, वो चाहे 10 हो चाहे 15 हो, और आपकी जो इसकी अच्छी तैयारी रहेगी वो उन्हीं प्रश्नों को हल करेगा, वहीं से आपका सिलेक्शन में अंतर पैदा होगा। तो बिल्कुल निराश ना होइए, ये एग्ज़ाम संभवतः लोकसभा, आप लेकिन तैयारी में रहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद ही होना है, मैं आपको बता दूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के 1 सप्ताह बाद भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2-3 महीना है आपके पास। रगड़ के तैयारी कीजिए, रगड़ के। ऐसा सोचिए कि आपके पास सारे काम छोड़ दीजिए, आप गर्लफ्रेंड हो, बाबू हो, सोना हो, छोड़ दो, 2 घंटे जो है अपना नियमित टाइम टेबल बनाइए, 8-10 घंटा तैयारी कीजिए। जितनी भी कमी, जिससे भी आप चूक रहे हो, आपको लग रहा हो कि पीएससी प्री आप चूक रहे हैं, उसका उस अपने आप को कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को चुनौती दो, गरियाओ अपने आप को, कुकुर तू इस जीवन के लिए पैदा नहीं हुआ है, जो गलतियां तूने की है उस तुझे अब सुधारनी है, और भेड़ के तैयारी करना है, बाबू छोना ये सब भूल जाना है, और 2-3 महीने रगड़ के तैयारी, एक बार नौकरी तो आ जाए कोई, उसके बाद आपके सपने भले पीएससी के हो, आपका दिमाग फ्री हो जाएगा। वादा करता हूं, अगर आप 5-10 नंबर से चूक रहे हो तो अगली बार कट ऑफ के 10 नंबर आगे होंगे। नौकरी एक बार जब कोई हाथ में आ जाती है ना, तो आत्मविश्वास आपको कहीं से कहीं ले जाकर फेंकता है। ठीक है, तो गुड लक, धन्यवाद।